यहाँ भाई फेनी का वजन किया जा रहा है। बहुत बहुत मुबारक ला मैं किस्मतों में अब दुआ का तवक्कल दुआ ला आली जिसकी काफ दर्द हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और भाई आपके माँ बाप भी ठीक होंगे। आप लोगों को भाई पहला रमजान रजा नदीम फैमिली की तरफ से मुबारक हो। आगे जाने से पहले वेलकम टू आर ब्रांड न्यू ब्लॉग। माशाल्लाह से हम लोग घर के अंदर आ गए हैं और यहाँ पे बल्ब जल रहे हैं, ये देखें भाई, और सैरी का खास एहतमाम किया जा रहा है। सलाम वालेकुम भाई, यहाँ पे तो प्रोग्राम बढ़ता हुआ दिख रहा है और ये रामेश भाई तो सो रहे हैं, अम्मा भी सो रही हैं, उठे नहीं आप लोग क्या अभी तक? टाइम तो देखो कितना चल रहा है। भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? ठीक है, मजे में। माशाल्लाह से भाई फर्स्ट रमजान जो है आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी ठीक है, आपके रिवाज को भी मुबारक, सबको खैर मुबारक। क्या खिला रहे हैं आज आप? जो होगा नसीब, नसीब तो अच्छा होने वाला है। तो अभी यार दस्तरखान वगैरह जो कुछ भी नहीं लगा, आप क्या कहते हो? यहाँ पे तो सब सो रहे हैं। सोए नहीं रात को। भाई यहाँ पे एक बंदा सो रहा है, जरा इसको देखते हैं। ये बहुत बोल रहा था कि भाई मैं रोजे में सबसे पहले उठ जाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और देख कैसे बेखबर सो रहा है। और आपने लास्ट व्लॉग देख लिया होगा, इसने मेरी बेखबर जो है ना वीडियो बनाई थी, इसको अभी ना उठाते हैं पूरा जो है ना भाई, नेट ऑफ करके सो रहा है, यानी कि सारी चीजें इसने उतारी हुई है और सिर्फ जो है ना एक कम्बल डाला हुआ है। तो क्या कहते हैं आप लोग, कम्बल खींच दिया जाए? अबू क्या कहते हैं, उठाते हैं इसको? हेलो रमेश भाई, भाईजान टाइम हो गया है, टाइम तो बचा ही नहीं है, अब तो रोजा बंद हो गया है। अच्छा हाँ, आवाज आ रही है, आ जाओ, ये खींच दूं क्या? नहीं, यहाँ पर किचन में बन रहे हैं पराठे, तो हमने सोचा किचन में जाके देखते हैं क्या सीन। सलाम वालेकुम, पराठे बन रहे हैं भाई, पराठे बनाए जा रहे हैं। कितने पराठे बन गए? अभी चार पराठे बन गए, यानी कम है हमारे लिए भाई, एक बंदे ही चार खा जाएगा। छह दार पराठे बन रहा है भाई, आपको मुझे तो लग रहा है रेसिपी अभी आपको जो है ना दिखानी पड़ेगी। देखे भाई, ओहो तक भाभी जो है ना पराठे बना रही है, और इसको फिर देखते हैं कि उठा है नहीं उठा। साहब ने भरपूर कोशिश कर ली उसको उठाने की, और जब रोजा गुजर जाएगा ना फिर उसके बाद बोलेगा मुझे उठाया क्यों नहीं रोजा रखने के लिए। ये देखे मुकम्मल सो रहा है, ये नहीं सुन रहा ना किसी की। मैं आँख खोली है, तो हाथ भी बाहर निकाल लिया है ये। यहाँ भाई फेनी का वजन किया जा रहा है, इसका वजन करके देखो कौन सा वजन जा रहा है। ये वाला दिखाओ भाई, ये वाला ठीक है, और ये वाला दिखाओ भाई, ये वाला ज्यादा है, ये वाला दिस वन, हाँ दिस वन ये ज्यादा है। दोनों पाव पो हैं ये? नहीं ये तुम पाव लाए हो। हाँ ये भी मैं पाव लाई, ये भी पाव लाए हो। ये वाला व्हाइट वाला तो हम लोग लेके आए थे, ये आप लेके आई हो, तो ये वजन हल्का क्यों है इसमें? वेट आपको क्या लगता है, लाइट वेट है ये? तो वो डेढ़ पाव लग रहा है। कौन सा, ये वाला? ये अबू बोला है 1.5 है ये, यानी कि डेढ़ पाव है ये। यहाँ पे भाई हमारे माशाल्लाह से दो चीजें आ चुकी हैं, बाकी चीजों का हम कर रहे हैं वेट। अंडा आ गया इधर, अंडा आ गया, और वाले साहब के हाथ में जो है ना भाई अब्बा जान के फेनी है, और गौर से फेनी को देख रहे हैं कि इसको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। इसमें लिखा प्रिपेयर्ड इन वेजिटेबल ऑयल, जबरदस्त लग रही है मुझे फेनी, ठीक है। और भाई दो चीजें आ गई हैं, बाकी की हम रिमेनिंग चीजों का जो है इंतजार कर रहे हैं। कुछ आइटम्स जो है हमारे रह गए थे वो भी आ चुके हैं, डबल रोटी भी आ गई है, कबाब शबाब भी आ गए हैं भाई, और दही भी आ गया है इसके अंदर, और वालदा जो है ना मजीद जो है ना आइटम ला रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई इसको करेंगे जल्दी से डन। एक भाई साहब जो है ना गहरी नींदों में अभी भी जो है ना बैठ के सो रहा है, आपने लेटा हुआ बंदा तो सुना होगा लेकिन ये बैठ के सो रहा है। ये देखें, देख रहे हैं आप भैया, शर्ट तो पहन लो। हेलो, नहीं सुना भाई इसने। और यहाँ फेनी निकाली जा रही है, ओए ओए वाह, माय फेवरेट फेनी, ओह माय गॉड, दूध डालना है भाई फेनी में, बेहतरीन हो गया भाई। अब इसको जो है ना ज्यादा आसरा कराना जो है ना मेरे हिसाब से अच्छा नहीं होगा, तो बस जल्दी से जो है ना इसको शुरू करते हैं भाई, सारे आ जाएं भाई। रामेश भाई जो है ना माशाल्लाह से भाई उठ चुके हैं। अच्छा जी कबाब लेते हैं भाई, कबाब तो बड़ा वीआईपी लग रहा है माशाल्लाह से, टेस्ट भी तो करते हैं इसको। बेहतरीन, एक बाइट जो है ना भाई, भाई ने बोला मैं भी लूं जरा, कैसा लगा? मजेदार, बेहतरीन बना हुआ भाई, अंडे से भी लेते हैं। तो यार इसको करते हैं यहाँ पे कंप्लीट। यहाँ पे जो है ना हम लोग भाई सहरी करके फारिग हो गए थे, वालदा जो है ना अभी तक खाने में लगी हुई है, और अभी ऐसा लग रहा है कि पूरे जो है ना रमजान के रोजे और पूरा जो आने वाला दिन है उसमें बड़ी देर तक जो है ना इनको रोजा रखना है। और एक बंदे से आपको मिलवाता हूँ, वो अभी सो रहा था और अब जो है ना फर्स्ट रमजान को ही, और माशाल्लाह से माफिया मांग रहा है वो अभी भी ना। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप?
अल्लाह सर, फर्स्ट रमजान आपको बहुत 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 दिल की गहराइयों से मुबारक हो। बहुत बुरा सपना देखा है क्या आपने भाई? हाँ, बहुत बुरा सपना देखा है क्या आपने? नहीं, मैं दरअसल इधर आप लोग खा रहे थे और खाने के बाद बीच में जो आप लोग को कोई बातें चल रही थी ना, हाँ। माशाल्लाह से वो सुन के ना मेरे हाथ जुड़ गए। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। बातें सुन के ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं यही बैठे बैठे अभी तुम शायद चांद पे पहुंच जाओगे। भाई लंबी लंबी नहीं छोड़ा करो भाई। हम जो बातें कर रहे थे ना वो बातें जो है ना बड़ी स्पेशल थी जो कि ऑफ कैमरा थी। भाई रामेश भाई माशाल्लाह से उड़ चुके हैं और रामेश भाई ने मंड के सहरी की आज। यकीन करो इन्होंने ना जल्दी 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 हमसे ही पहले जो है ना उड़ गई है। मंड की होती है सहरी। नमाज पढ़ने चले माशाल्लाह से रमजान है। पता चलना चाहिए कि आप एक रोजा रखने जा रहे हो तो घर में टोपी शोपी ये वो ये एहतमाम होता है रमजान के एहतमाम। ऐसा तो नहीं है कि सहरी वहरी करने के बाद जो है रोजा ही ना रखो। वो अपने अपने कारनामे होते हैं। वजू के दरमियान में पानी पी लेना भाई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप लोगों ने जो भी देख रहे हैं ना तो भाई पूरे पूरे इंशाल्लाह अहद करेंगे सारे। फर्स्ट रमजान है और आप व्लॉग देख रहे हैं तो 30 के 30 रोजे जो है ना हम सब ने रखने। किसी को रोजा नहीं छोड़ना। पूरा टाइम हो चुका है भाई, है ना, पानी पीना रह गया। पूरी रात हो रही है और आवाजें आ रही है भाई सहरी खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। अभी सर 5 मिनट बाकी है, आवाजें आ रही है सहरी खत्म होने में। पानी पी लें, जल्दी से आ जाओ। 5 मिनट बाकी है, फिर उसके बाद जो है ना निकलते हैं नमाज पढ़ने के लिए। आपका भाई वजू वगैरह करने के बाद ना भाई ये देखें पूरे अंधेरे में जो है ना नमाज पढ़ने के लिए निकल गया था फजर की। ऐसा ना हो कोई अभी गाड़ी आ जाए और वही वाले सीन हो जाए। अभी तक तेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है। जल्दी से यार मोबाइल को अंदर रख लेते हैं। चलिए नमाज पढ़ के आ गए। आपका भाई जा रहा है सोने के लिए। 6 hours later अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफिया से भाई उठ चुके हैं। सहरी भी कर ली थी भाई रात में, आपने देख लिया होगा गए थे। उसके बाद अब आँख जो है वो टाइम पर खुल गई है। यहाँ पर जो है ना हमारी बकरी को पता नहीं क्या हो गया यार इसको, इसकी जो है ना भाई सांस बहुत ज्यादा फूल रही है। भाई क्या हो गया तुम्हें? हैं ऐसा लग रहा है कि भाई इसको गर्मी लग रही है। वालिद वालदा का क्या कर रही है? वालदा से भी पूछते भाई, सिपारा पढ़ रही थी अभी तो पूछते हैं वालदा कर क्या रही है। हाँ भाई अम्मा जान हमारी सिपारा पढ़ रही हैं माशाल्लाह से। और भाई सिपारा पढ़ रही है, हमें जाना है भाई एक जगह पर, तो हम जल्दी से जो है ना यार बैग वगैरह जो है ना रेडी करते हैं और निकलते हैं। उसके बाद आप लोगों से होगी मुलाकात। A few moments later अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह का शुक्र है भाई जहाँ गए थे वहाँ पे खैर वाफियत से जो है ना आ गए हैं वापसी। हे बज रहे हैं भाई इस वक्त, नमाज वगैरह भाई पढ़ ली है और आपका भाई जो है ना अब जा रहा है एडिटिंग पे। हमारे पास जो है बहुत कम टाइम है क्योंकि रोजे में जो है ना भाई थोड़ा सा टाइम बाकी है इफ्तारी में, तो माशाल्लाह से भाई मुलाकात होती है आपसे इफ्तारी के वक्त जो है ना खुलने वाला है माशाल्लाह से। रामेश भाई हीरो जो है ना बन के घूम रहे हैं। रामेश भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? बहुत अच्छे हैं सर। कैसा गुजर रहा है रोजा पहले तो ये बताएं। अल्लाह का शुक्र है बहुत प्यारा गुजरता है, अल्लाह की इबादत करता रोजेदार। माशाल्लाह माशाल्लाह। और चश्मा तो देखें भाई, हीरो वीरो यार ये चश्मा जो है ना ये मुझे चाहिए तुम्हें। ये अरे भाई सब्सक्राइबर बोलता हुआ जा रहा है, दबंग लग रहा है भाई, दबंग लग रहा है भाई। अब तो और ज्यादा ना चौड़े हो गए शोल्डर ना। सही पकड़े हैं। फाइनली भाई ऊपर आ चुके हैं और एक लगा हुआ है बिग दस्तरखान माशाल्लाह। क्या काम करो, चूल्हा बुझा कर आओ। चूल्हा बुझा के आ जाते हैं भाई और बोल रहे यार ये देखें भाई आपको जो है ना यहाँ पे हुए माशाल्लाह। रामेश भाई जो है भाई निकाल रहे हैं तो भाई हम पकौड़े से जो है ना बड़े अच्छे तरीके से रामेश भाई जो है सब कुछ सर्व कर रहे हैं भाई। मेरा भी था। माँ कहाँ नहीं रही है? रोजा कैसा गुजरा आपका? सही गुजरा, लगा तो नहीं रोजा दादा। रामेश भाई माशाल्लाह से अभी भी सर्फिंग में लगे हुए हैं भाई सबकी खिदमत खल के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है क्या बात है। तो भाई माशाल्लाह से अजान हो चुकी है और हम लोग करते हैं भाई अफ्तार और फिर अफ्तार के बाद जो है ना आपसे नमाज के बाद इंशाल्लाह मुलाकात होती है। आपका भाई करता है भाई ये फिनिश। ओके माशाल्लाह जी माशाल्लाह भाई नमाज वमाज पढ़ के हमारे भाई आ गए हैं। आए मजे आए। ये कौन सा एक्शन था? नमाज की बात हो रही है यार। नमाज की मैंने वो तो नहीं कहा, मतलब
हाँ अच्छा भाई आपको मैं एक चीज बताऊँ, माशाल्लाह से पहली बार जो ना भाई के चेहरे पे जो ना नूर दिख रहा है अच्छा। और बहुत ज्यादा माशाल्लाह से टोपी पहन के खूबसूरत लग रहा है, नमाज नमाज पढ़ के आ गया अदा करने। वहाँ से मिला था ना मस्जिद से वापसी पे मिल गया था, नूर नूर मिल गया था ना उसे गले में हाथ डाल के, गले में हाथ डाल के तो आया, कुल्फी का कारखाने में काम करता है। नूर की बात नहीं कर रहा भाई, वो दूसरा वाला नूर जो आता है चेहरे पे जो आता है, चेहरे पे जो आता है ना नूर। अच्छा मेरे रब ताला अल्लाह का नाम है वो नूर। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ तरावी पढ़ने के लिए भी जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप जाओगे ये वाली मस्जिद में, हम जाते हैं वाली मस्जिद में। अभी पढ़ता हूँ ना मेरा शुरू से कि मैं उधर पढ़ता हूँ। अच्छा ये आप दूसरी मस्जिद में जाएंगे और हम दूसरी मस्जिद में जाएंगे। तो भाई आपका भाई अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मगरिब की नमाज पढ़ के आ गया है, रोजा वोजा खोल दिया था, वालदा और वालिद दोनों नीचे चले गए भाई। तमाम लोगों से दुआओं की दरखास्त है, सही है ना। और देखो गरीबों को जो सफेद पोश लोग है ना, मैं फिर मैंने कल भी बोला था अपने व्लॉग में, मैं आज फिर बोल रहा हूँ, ज़कात निकालो भाई, अपने पैसे दो पैसे रोको नहीं, इससे दूसरे की मदद हो जाती है। और ये सदका ज़कात ये वक्त है देने का, जिसके घर में कुछ नहीं है वो बेचारा ले आएगा, यार गरीब है और महंगाई का इतना दौर है, ईद की शॉपिंग कर लेंगे लोग अपने बच्चों के लिए। अल्लाह ताला आपको भी तौफीक दे और हम सबको भी तौफीक दे। तो भाई आज का दिन हुआ जाता है यहीं पर एंड। तो व्लॉग अगर अच्छा ये कह रहा है व्लॉग अभी एंड नहीं करना, क्या हो गया अभी वो आज आपकी भाप सबकी भाभी बोल रही है मैं अल्लाह हाफिज करूंगी, भाभी अल्लाह हाफिज करेंगी, अल्लाह हाफिज करेंगी लेकिन शर्मा रही है, फिर कभी करवाएंगे, चले। तो भाई यार यहीं पे करते हैं अपने डे का एंड। तो भाई हम सबको और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हम भी आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। तो यार अगर ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो जल्दी से यार सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दो, ताकि हम और मोटिवेशनल के साथ आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग निकाल सकें। सेकंड रोजे में मुलाकात होती है, तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।